लगता है किसी ने राड खींच दी हो नीचे से, माशाल्लाह बालों में हवा भरवा के आई हो, कोई पंचर कर जाएगा सोफे में। ठीक है मौसी आपके हवाले, वतन साथियों आओ, खुद कर रही हो निकल रही है, बाय मौसी बाय। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, मेरा फोन बंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रधान मेरे मैसेज पढ़ लेता है। आप सोच रहे हो कि प्रधान कौन है, अब मैं ये नहीं बताना चाहती वो कौन है, क्योंकि मेरा जो है पति तो है नहीं, वो जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं बता दूंगी तो आप छाप दोगे तो वाहवाही वाली बदनामी हो जाएगी, क्योंकि बाजू वाले गांव का सरपंच है, तो मैं ये सीक्रेट बताना नहीं चाहती, आप समझ रहे, ये सीक्रेट मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहती। खैर मैं इस इंस्टीट्यूट की मालकिन हूं, मौसी, सेल्फी मौसी। एक काम करते हैं, आप लोग थोड़ा इधर इधर आ जाइए, एक सेल्फी तो बनती, थोड़ा इधर इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा, हाँ ऐसे आ जाइए, इधर हो जाइए, इधर इधर हो जाइए, हाँ अब ठीक है। इंस्टीट्यूट इतना गंदा पड़ा है, है? मेरे आने पर इतना बड़ा ग्रैंड इनॉग्रेशन है, सब गंदा पड़ा है। मेरा नौकर है बहुत बदतमीज मुन्ना, उसका प्यून है लेकिन मिमिक्री के अलावा कोई काम नहीं आता उसको। मुन्ना, ए मुन्ना, हेलो हेलो, हाँ मिस्टर टाटा, क्या आपको अपने शेयर बेचना है? नहीं बेचना है, बस जिंदगी भर नमक ही बेचना, अजीब अजीब लोग हैं। अरे मौसी, कांड हो गया। तूने तकिए की नीचे रखी मेरी किताब पढ़ ली? अरे मौसी वो पुराना कांड है, नया कांड हो गया है। अलमारी में रखी मेरी वीडियो देख ली? अरे मौसी देख ली, अच्छा डांस करती हो, डांस वाली देखिए, हाँ अरे फिर ठीक है, हाँ अब बता। अरे मौसी कांड हो गया। क्या कांड हो गया? अरे वो मेरी लेगड़ुआ वाली मामी है ना, हाँ। उनके यहाँ लड़का हुआ, उसका नाम रखा है कांड। कांड नाम कौन रखता है? अरे मौसी वो शादी के पहले हो गया ना, तो कांड ही होगा। पागल कहीं का, ऐसे कौन रखता, क्या सोचेंगे मीडिया आई हुई थी? अरे मौसी वो बड़ी दुख भरी कहानी है, बचपन में एक बार जिंदा मुर्गा खा गया था, आज तक नहीं पच पाया है, तभी तू ऐसे था। ऐसे नहीं मौसी, ऐसे पगले फंसा तो तेरा है, मेरा वाला तो पच गया है। मौसी ऐसे बार बार मारा मत करो, जब देखो जब मेरी बेइज्जती करते रहती हो। इतना टैलेंटेड आदमी आपके इंस्टीट्यूट में प्यून बना के रख दिया है, यानी कि मुझे टीचर बना दे, बस इतनी सी बात है। हाँ है? हाँ आज की बात मत बोलना, ठीक है निकल जाए यहाँ से। मौसी बहुत हो गया, बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, पता है खानदानी नौकर हूँ। मेरे पिताजी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी, अच्छा, लेकिन खानदानी काम है हमारा, वही 5 करोड़ रुपए अंबानी के यहाँ रिश्वत देकर नौकरी लग गए। और मौसी मैं इतना टैलेंटेड हूँ, पता है जितने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर नहीं ना, उससे ज्यादा मिमिक्री करता हूँ मैं। कोई भी बाप अपने बेटे को लॉन्च करता है ना, पहले मेरे पास आता है, अच्छा भैया बताओ लड़के की आवाज कैसी रखनी, मतलब आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से रख लेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे फिर लॉन्च करेंगे, इतना टैलेंटेड हूँ मैं। अच्छा हाँ, किसकी मिमिक्री करता है? किसकी आप बोलो, किसकी सुनाऊं? कर सुनील शेट्टी की, कर सुनील शेट्टी की। ए डरती मेरी माँ, तो इतनी जोर से करता क्यों जो डरती तेरी माँ है? ए डरती मेरी माँ है, डरती, ए सांप मेरा चाचा है, ए बिच्छू मेरा मामा है, ए दिमाग मेरा काका है, ए हाय को हाय को हाय हाय को हाय को हाय। चुप इधर, हाँ। इधर तुझे क्या लगता है तुझे ही मिमिक्री आती? अरे मैं हूँ बहुत बड़ी मिमिक्री आर्टिस्ट, हाँ? मैंने बड़े बड़ों को बनाया है, क्यों विपुल जी मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने बड़े बड़ों को बनाया है इसको। अरे तुम नहीं जानते, मैं कहती हूँ वो नहीं अपने क्या नाम है लड़के का, बड़ा अभी नया लड़का है, बड़ा बढ़िया काम करता है, हृतिक, हृतिक रोशन। अच्छा वो हृतिक जिसका एक साइलेंट है, चुप रहे, हृतिक रोशन, उसका हमने सिखाई मिमिक्री। पहले बोला मेरे पास आके कि मैं, मेरे को एक्टिंग सिखाओ, मैं बताती हूँ, मैं कहा तू भागना शुरू कर, उसने भागा, यूं भागा भागा भागा, जैसे हाँफने लगा मैंने कहा रुक जल्दी डायलॉग बोल, कहता मुखर्जी तेरा समझा कि मर रुको बुड्ढी, कुछ भी बोलते रहती, तेरे को मिमिक्री मेरे को नहीं आती क्या? ऐसे नहीं करना, मजाक 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 मजाक, मैं बताती हूँ, मैंने तो अपना लड़का नहीं है सलमान,
हाँ। उसको भी मैंने सिखाया, उसको तो कुछ आता ही नहीं था सिवाय टी शर्ट उतारने के। उसको हमने सिखाया, हम गए उसके पास। हाँ। हमने कहा देखो बेटा मैं इस वक्त पतंग उड़ा रही हूँ, तुमने क्या करना मैं बताऊंगी। मैं पतंग उड़ा रही थी, मैं कहा बो मांझे लपेट करता। अरे फटाफट उसको एक स्टेप आ गया, एक स्टेप, लेकिन उसने अपने आप सीखा। कौन सा? मैंने उसको कहा देखो बेटा एक पप्पी दे दो। हाँ। पास आके कहता मैं समझ गई है ना कह रहा है। उसके बाद उसका अपना स्टेप बन गया। अच्छा। हाँ? और किसके किसको बनाया? राजपाल यादव इतना सा था जब मेरे पास आया था। मौसी अभी भी वो इतना सा है? कल ही आया था ना। अच्छा। इतना सही था। हाँ। तो जब आया तो मुझे आके कहता है कि मुझे भी एक्टिंग सिखाओ। मैं कहा ऐसे नहीं बोलती, तो बड़ी नॉर्मल बात है, इसको ऐसे बोलो कि मैं कहा मदन लाल की चिक्की खाओ। हाँ। फिर गरम गरम कोयले पे छोड़ दिया। हाँ। कहता अरे कसम इस उदा मैया की मेरे जिगर के छल्ले उठा के पटक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो मेरे जैसे बहुत देखे हम कोई मंदिर का घंटा हूँ आते हो बजा के चले जाते। अरे अरे मौसी पता है ये मदन लाल चिक्की वाले की वजह से ना। हाँ। एक एक्टर की आवाज और खराब हो गई। कौन? हमारे कुलभूषण खरबंडा। अच्छा। हाँ वो भी उस दिन बोल रहे थे वेलकम माय फ्रेंड वेलकम। अरे भाई जब से मदन लाल चिक्की वाले की चिक्की खाई है दांत चिपक गए मेरे, वरना पहले तो मैं ऐसे बोलता था। और भाई कैसे? अरे वो तो कुछ भी नहीं, एक हल्का और नहीं अपना। कौन? अरे जो थोड़ा सा शाहरुख। अच्छा। उसको भी हमने सिखाया। उसका तो हमको पता है आपने कैसे बनाया होगा उसको। कैसे? हाँ देखो अभी बताते हैं। ऐसे खड़ा था। हाँ। हमने कहा करो डॉन का पीछा 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना डायलॉग में मजा नहीं है। हो गया बस। थैंक यू। इस माहौल में कुछ ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं है, स्पेशली विद विपुल हियर एंड संजीव हियर एंड एवरीबडी बैक स्टेज, बट मैं 1.5 मिनट लूँगा। फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हम फ्राइडे को भी मिले थे एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आर बिग प्रॉमिस कि 2.5 साल में द फास्टेस्ट ग्रोइंग GEC चैनल लाइफ ओके इज़ नॉट हैप्पी विथ वेयर वी आर, वी वॉन्ट टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड इस दिवाली जो हम 7 तारीख से शुरू करने वाले हैं से लेकर दिसंबर तक हम 7 नए लॉन्चेज, बहुत बड़े बड़े और नए प्रोग्राम्स जो हमेशा हमने किया है, नए जॉनर्स के साथ लेकर आएंगे। और जो अगले 3 महीने में होगा वो शायद बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स पूरे 3 साल में नहीं कर पाते, और वो सब हम एक साथ 3 महीने में करेंगे, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है कि आपका सपोर्ट है, व्यूअर्स का सपोर्ट है, और हम 0 से 14% शेयर पे आए हैं तो आगे जाना है। आज उन 7 शोज में से एक शो की बारी है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इन टर्म्स ऑफ एक जॉनर था जो हमेशा लोग हमसे पूछते थे कि लाइफ ओके पे महादेव है, सावधान है, सुपर कॉप्स है, हातिम है, तुम्हारी पाकी है, बट कॉमेडी क्यों नहीं है? बिकॉज हमेशा हम क्लेम करते थे कि वैरायटी हम देना चाहते हैं, ताकि जो कुछ GEC चैनल सिर्फ वुमेन देखती हैं, कुछ चैनल सिर्फ मेन देखते हैं, हमने हमेशा कहा था फैमिली के लिए चैनल है, तो कॉमेडी मिसिंग था। ऐसा नहीं था कि हमने ट्राई नहीं किया था, लॉन्च पे हमने लाफ इंडिया लाफ ट्राई किया था जो चला, बहुत सालों से काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट 12 महीने से इस पे काम कर रहे थे, और फाइनली द लेबर ऑफ लव इज कॉमेडी क्लासेस। वेरी हैप्पी एंड प्राउड विथ व्हाट एवर लिटिल आई हैव सीन, आपने थोड़ी झलक देखी थी उसकी, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से महादेव, सावधान, सुपर कॉप्स, हातिम ने नए जॉनर्स की शुरुआत की है, कॉमेडी क्लासेस भी एक नया जॉनर है। एंड आई प्रोमिस यू कि 7 तारीख से रात 10 बजे ऑन लाइफ ओके जब आप देखेंगे तो यू विल अग्री विथ मी, बट फॉर नाउ आई थॉट सिंस विपुल हैज प्रिपेयर्ड ऑल नाइट हिज पंचेस और मैं आगे कुछ बोलूंगा नहीं, तो मेरे पास 2-3 सवाल हैं ताकि आपके लिए क्लैरिफाई करें कि ये शो क्या है। सो विपुल पहला ये था कि पिछले 2 साल से हमारे पास लोग स्टैंड अप की प्रपोजल लेके आते थे जी। मुझे ज़्यादा